गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। देखिए, जैसा आप सभी जानते हैं कि हम यहाँ पर आपको वो कैब बता रहे हैं, ठीक है। और वो कैब हम ऐसी बता रहे हैं, बिल्कुल सिस्टमेटिक तरीके से पढ़ रहे हैं, ताकि आपको इसी वीडियो में सारी की सारी वो कैब याद हो जाएं, जो आपके सभी एग्जाम्स जहाँ भी इंग्लिश आती है वहाँ आपके लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। तो इस लेक्चर को पूरा देखिएगा और आपको आप देखना, आपको सारी वोकैब जो अभी मैं बताऊंगा सारी की सारी याद हो जाएंगी। और हम अपने वोकैब सेक्शन में अभी रूट वर्ड पढ़ रहे हैं। पहला रूट वर्ड हमने एस्टर पढ़ा था, आज हम देखेंगे रूट वर्ड बेल। तो मैं जैसा कह रहा हूँ, अगर आप वैसा करेंगे तो ये वोकैब्स आपको हमेशा के लिए याद रहेंगी। तो आपको क्या करना है कि आपको पेन और पेपर का पेन लेकर बैठना है और कॉपी में अपने जो मैं यहाँ पर वोकैब बताऊंगा उनको नोट करना कॉपी में, ठीक है। और 2 दिन के बाद ये वीडियो आपको फिर से देखना है और अपनी नोट्स को एक बार रिवाइज कर लेना है, बस बाकी कुछ नहीं करना है। और जितने भी मैं वर्ड बता रहा हूँ उनको कमेंट में आप लिख दीजिएगा एक बार, ठीक है। तो आपको ये सारी वोकैब हमेशा के लिए याद हो जाएंगी। तो चलिए देखते हैं, सबसे पहला है बेल। आज का रूट वर्ड जो है वो है बेल, BELL। बेल का मतलब होता है वार, वार। बेल का मतलब क्या होता है? वार। तो सबसे पहला वर्ड जो इसमें बनता है वो है एंटी बेलम। क्या बनता है? एंटी बेलम। एंटी बेलम दो वर्ड से मिलकर बना है, एक है एंटी और दूसरा है बेल। एंटी का मतलब होता है बिफोर, ANTE। एंटी का मतलब होता है बिफोर, एक होता है ANTI, उसका मतलब होता है अगेंस्ट, ठीक है। तो एंटी बेलम, एंटी मतलब बिफोर, बेल मतलब वार, यानी बिफोर ए वार, युद्ध के पहले जो क्रियाकलाप होता है उसके लिए आता है एंटी बेलम, ठीक है। आप लोग इसको बहुत ही आसानी से याद कर सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, बस आपको थोड़ा ध्यान से वीडियो को देखना है। तो एंटी बेलम का मतलब होगा बिफोर वार, ठीक। अगला वर्ड जो है वो है बेल्लीकोस, BELLICOSE, बेल्लीकोस। बेल्लीकोस दो शब्दों से मिलकर बना है, एक बेल दूसरा कोस। बेल का मतलब जहां पर क्या होगा? वार। इसका मतलब होता है ऑलवेज शोविंग ए डिजायर टू फाइट, ऑलवेज शोविंग ए डिजायर टू फाइट, यानी कि लड़ाकू जो होते हैं, युद्धप्रिय, या जिसको युद्ध पसंद है, या लड़ाकू जो होते हैं उसको बोलते हैं बेल्लीकोस। इसके अगर सिनोनिम की बात करें तो सिनोनिम हो जाएगी अग्रेसिव, वारलाइक और पुगनासियस। सिनोनिम्स जरूर याद रखिएगा और ये वर्ड आपके एग्जाम में कई बार आ चुका है, SSC हो, बैंक हो, हर जगह ये वर्ड आ चुका है। सिनोनिम में भी, एंटोनिम में भी आता है ये, ठीक है। इसको याद रखेंगे और इसको सिनोनिम जो बता रहा हूँ उनको भी याद रखेंगे। क्या हो जाएगा सिनोनिम? अग्रेसिव, वारलाइक और पग्नासियस। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अगला वर्ड जो है वो है बेलीजेरेंट। क्या होता है बेलीजेरेंट? आप लोगों ने देखा होगा एग्जाम में, ये भी कई बार आया हुआ है बेलीजेरेंट। बेलीजेरेंट दो वर्ड से मिलकर बना है, एक होता है बेल मतलब वार होता है और दूसरा है जेर, GERE। जेर का मतलब होता है विल फार, मतलब किसी चीज के लिए इच्छा। विलिंग टू इन्वॉल्व इन ए वार, इसका अर्थ क्या होगा इंग्लिश में? विलिंग टू इन्वॉल्व इन ए वार। और हिंदी में कहें तो इसको आप लड़ाकू कह सकते हैं, बेलीजेरेंट मतलब लड़ाकू भी, इसको भी कह सकते हैं, युद्ध तत्पर, ठीक हो जाएगा। क्या हो जाएगा? युद्ध तत्पर। इसके सिनोनिम याद करिएगा, सिनोनिम बहुत इंपॉर्टेंट है, इनको ध्यान रखिएगा। इसका सिनोनिम जो हो जाएगा हॉस्टाइल, अनफ्रेंडली और अग्रेसिव, हॉस्टाइल, अनफ्रेंडली और अग्रेसिव, इसके सिनोनिम हो जाएंगे, ठीक है। तो बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है, आप इसको हमेशा याद रखेंगे। क्या है? बेलीजेरेंट, बेलीजेरेंट, बेलीजेरेंट मतलब सिंपली आप लड़ाकू याद रखिएगा, बस मतलब बेल आया है इसमें लड़ाई झगड़ा से, इसको याद रखिएगा आपका हो जाएगा। अगला वर्ड देखेंगे कोबेलीजेरेंट, COBELLIGERENT, कोबेलीजेरेंट। एक दो वर्ड से मिलकर बना है, एक को दूसरा बेल। को मतलब टूगेदर, को मतलब आप जानते हैं टूगेदर, और बेल का मतलब वार, यानी जो साथ में युद्ध करते हैं उसके लिए आता है। कैसे युद्ध करेंगे साथ में? जैसे दो देशों के बीच में युद्ध हो रहा है और कोई तीसरा देश किसी देश की मदद करने के लिए आता है तो उसको बोलते हैं कोबेलीजेरेंट, ठीक है। ए नेशन दैट कोऑपरेट्स विथ एनदर इन ए वार, मतलब सहकारी युद्ध राष्ट्र, सहयुद्धकारी राष्ट्र हो जाएगा इसका मतलब सिंपली, ठीक है। तो इसको भी आप युद्ध से ही याद रख सकते हैं, इसमें बेल आया है, बेल सिंपली आप बेल याद रखेंगे तो आपका इसमें ढूंढ लेंगे बेल कहां पर है तो आसानी से हो जाएगा। बेल का मतलब क्या होता है? वार।
अगला वर्ड देखिए क्या आया है, पोस्ट बेलम, POST, पोस्ट BELLUM, पोस्ट बेलम। पोस्ट, पोस्ट का मतलब क्या होता है, आफ्टर, पोस्ट मतलब आफ्टर और बेल मतलब वार, यानी वार के आफ्टर ए वार यानी युद्ध के बाद जो होता है उसको बोलते हैं पोस्ट बेलम। यहाँ पर बेल आया है, बेल का मतलब वार हो गया और पोस्ट मतलब आफ्टर हो जाएगा, ठीक है। तो जहां भी आपको पोस्ट दिखाई दे आज के बाद उसका मतलब आप समझना कि आफ्टर है वहां पर, ठीक। तो पोस्ट बेलम मतलब युद्ध के बाद, एक था एंटी बेलम यानी युद्ध के पहले, यह है पोस्ट बेलम यानी कि युद्ध के बाद, ठीक। अगला जो वर्ड है वो है रिबेल। अगला वर्ड क्या है, रिबेल। रिबेल आप सभी जानते होंगे, कई बार एग्जाम में भी आया है। री मतलब होता अगेंस्ट, बेल मतलब वार, री प्लस बेल, री मतलब अगेंस्ट, बेल मतलब वार। यहां पर क्या हो जाएगा, ए पर्सन हु फाइट्स अगेंस्ट द गवर्नमेंट ऑफ दियर कंट्री। रिबेल का मतलब होता है विद्रोह करना, जो अपने देश में विद्रोह करता है उसके लिए आता है, सरकार के खिलाफ जो विद्रोह करता है उसके लिए आता है रिबेल। रिबेल मतलब विद्रोही या विद्रोह करना, ठीक। और बेल से जो लास्ट वर्ड बनता है वो है रिबेलियन। क्या होता है रिबेलियन, रे मतलब अगेंस्ट, आर ई, री मतलब होता है अगेंस्ट। जहां भी आपको आज के बाद री अगर किसी वर्ड में लगा हुआ दिखाई दे तो उसका मतलब जान जाना कि अगेंस्ट, और बेल मतलब वार, रिबेलियन, री मतलब अगेंस्ट, बेल मतलब वार। इसका भी मतलब आप रिबेल से कर सकते हैं, मतलब राजद्रोह, विद्रोह, इसका भी वही अर्थ होता है, वायलेंस अगेंस्ट एन एग्जिस्टिंग गवर्नमेंट। इसके सिनोनिम याद रखिएगा, इसके सिनोनिम होते हैं अपराइजिंग और रिवोल्ट, अपराइजिंग और रिवोल्ट, ठीक। तो ये वर्ड थे कुछ बेल से रिलेटेड थे, आपको आसानी से याद हो गए। सारे वर्ड्स को एक बार फिर से रिवाइज करेंगे, ठीक है। हमने आपको बताया रूट वर्ड क्या, बेल, बेल का मतलब क्या होता है वार। इसके हमने सबसे पहला वर्ड देखा एंटी बेलम, एंटी मतलब बिफोर, वार मतलब युद्ध, तो बेल मतलब वार, ठीक है। तो बिफोर ए वार, जो युद्ध के पहले होता है उसे बोलते हैं एंटी बेलम। अगला वर्ड हमने देखा बेलिकोस, बेलिकोस का मतलब क्या होता है लड़ाकू। अगला हमने देखा बेलिजरेंट, बेलिजरेंट का भी मतलब वही होता है, लड़ाकू ही आप कह सकते हैं, ठीक है। कोबेलिजरेंट, कोबेलिजरेंट मतलब जो किसी का युद्ध में किसी देश का किसी देश की सहायता करता है उसे क्या बोलते हैं, कोबेलिजरेंट, को मतलब टुगेदर, बेल मतलब वार, ठीक। अगला हमने आपको बताया कि पोस्ट बेलम, पोस्ट मतलब आफ्टर, वार मतलब वार, बेल मतलब वार यानी आफ्टर ए वार, युद्ध के बाद जो होता है उसे बोलते हैं पोस्ट बेलम। हमने अगला बताया आपको रिबेल, रिबेल का मतलब होता है विद्रोह, और एक होता है रिबेलियन, उसका भी मतलब होता है विद्रोह। इनको आप एक बार अपने नोट्स पर लिख लीजिएगा, उसको फिर से आप हमारे कमेंट में डाल दीजिएगा, और 2 दिन के बाद एक बार वीडियो को फिर से रिवाइज कर लीजिएगा, तो आप इनको कभी भी नहीं भूलेंगे, ठीक है। इसी तरह से हम सिस्टमैटिक तरीके से वो कैप्स को पढ़ते रहेंगे। अगर आपकी वीडियो पसंद आया हो ना तो इनको अपने फ्रेंड्स के साथ जरूर शेयर कर दीजिएगा एक बार, ठीक है, ताकि उनको भी फायदा हो जाए, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा।